पवन सिंह का जो ऐसा पैसा है ये, वो आए दिन ये चीजें करते रहेंगे, आए दिन वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। जो उनके आगे पीछे के लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर कभी वो हो, वो अपने फैमिली में आगे बढ़े हैं, यही सारी चीज़ें। और पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो अपना डिसीजन कभी खुद नहीं लेते हैं। अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो मैं भी ज़बरदस्ती उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान है। और कल मैंने सोचा है कि मैं प्रधानमंत्री से भी अपना वो गुहार लगाऊंगी। आज आप कोर्ट में थी, क्या रहा मामला? मैं गई और हमेशा की तरह जैसे डेट पड़ता रहता है वैसे ही नेक्स्ट डे पड़ा, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत खास कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। वो हमेशा से वकील को भेज देते हैं, वो नहीं आते हैं। मैं अपना हर चीज़ छोड़ के मुझे आना पड़ता है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं सोचती भी हूँ कि मैं आगे का अपना कुछ सोच के कुछ तैयारी करूँ, तो उसमें भी मुझे हर डेट पे आना पड़ता है। इस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ को लेकर। कोर्ट कचहरी रोज़ रोज़ जाना, हर चीज़ें लोगों को फेस करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को फेस करना। कॉमन सेंस से आप चाहते क्या हैं? मैं अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो मैं भी ज़बरदस्ती उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी स्वाभिमान है। और मैं कब तक उनसे ये चीज़ वो करूँगी कि नहीं आप रखें। उन्होंने एक डाइवोर्स फाइल करा था और अब वो खुद ही नहीं आ रहे हैं, मैं क्या ही सोचूंगी? बस मेरी आगे की ज़िंदगी वो देखें, वो उनको जो सही लगे वो करें अपने लाइफ में, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो स्टिल आगे भी वो अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं, उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। फ़र्क मुझे पड़ रहा है क्योंकि मैं उनकी तरह हीरोइन नहीं हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है। तो उन्हें मैंने जो डिमांड किया है कोर्ट में। अच्छा, कितने दिनों देखा जा रहा है कि तारीख पे तारीख लग रही है, आप अदालत में जा रही है अपना पक्ष लेकर, आरा भी गई, आरा कोर्ट में भी गई, फिर बलिया में भी गई, लगातार कई बार आप जा रहे हैं, तो अदालत से आप क्या चाहती हैं? अदालत से हर कोई न्याय ही चाहता है और मैं भी न्याय ही चाहती हूँ। और लोग कई तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं ट्रैवल करती हूँ, ये चीज़ें करती हूँ, वो चीज़ें करती हूँ, तो पवन सिंह के पैसे पिक कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि वो एक बार पवन सिंह से ही खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि पवन सिंह मुझे कितना पैसे दिए हैं आज तक या फिर क्या दिए हैं। मैं खुद एक संपन्न फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे किसी की वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर मेरा जो हक है मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ तो आए दिन पवन सिंह का जैसे पैसा है ये, वो आए दिन ये चीज़ें करते रहेंगे, आए दिन वो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे, और इसलिए मुझे अपना हक लेना है बस। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी में बहुत धूमधाम से हुई, लोग शामिल थे आपके तरफ से, उनके भी तरफ से, सब कुछ अच्छा चला, अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर मामला कोर्ट में चला गया? देखिए, मैं कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं कोर्ट के माध्यम से हो रही है तो उसी वहीं से सारी चीज़ें हों। अदरवाइज़ लोग प्रूफ कह रहे हैं कि आप गलत हैं, वो गलत हैं, ये वो, तो मेरे पास है, मैंने जो भी एलिगेशन लगाया मेरे पास उन सारी चीज़ों की तमाम प्रूफ हैं। मैं यूं ही नहीं खड़ी हुई हूँ या यूं ही नहीं गई हूँ कोर्ट में, मेरे पास हर चीज़, जो जो मैंने एलिगेशन लगाया या जो जो चीज़ें हैं मेरे पास, सारे तरह के प्रूफ हैं। रिलेशन में हमारे खराब इसलिए हुआ क्योंकि वाकई जो उनके आगे पीछे के लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का घर कभी वो हो, वो अपने फैमिली में आगे बढ़े हैं, यही सारी चीज़ें। और पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो अपना डिसीजन कभी खुद नहीं लेते हैं, वो हमेशा उनके जो चार लोग आगे पीछे घूमते हैं वो जितना कहते हैं वो उतना ही करते हैं। अभी मामला आपके अधिवक्ता अखिलेश जी ने कहा कि अगर कोर्ट से अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अब अगर ये लोग मुझे मजबूर करेंगे तो बिल्कुल मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही हैं और मैं फेस कर रही हूँ चीज़ों को। मैं देख रही हूँ पवन सिंह अपने जीवन में मस्त हैं, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। वो कभी एक्सीडेंट का बहाना बना देते हैं, कभी कुछ बहाना बना देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और चीज़ें मैं झेल रही हूँ, मुझे आना पड़ता है। मैं सोचती भी हूँ कि चलो मैं कहीं जॉब कर लूँ, तो वो भी नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे हर डेट पे आना पड़ता है, हर टाइम पे आना पड़ता है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ना मैं कुछ अपने लाइफ में, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड कुछ कर पा रही हूँ, ना ही अपने जीवन यापन के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो क्या अपना पक्ष रखेंगे, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं बस सच्चाई रखूँगी, बिल्कुल, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनके सामने सच्चाई रखूँगी। बाकी हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान सब देख रहे हैं, आगे का फैसला उनके हाथ में मैं छोड़ के अपना एक एक दिन मैं उन भगवान के भरोसे निकाल रही हूँ, क्योंकि हम सामने वाले से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से नहीं। अच्छा, अब तो अगली तिथि अब 19 सितंबर को पड़ी है, तो क्या लग रहा है 19 सितंबर को कुछ मामले बनेंगे? जैसे चल रहा है वैसे, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा धीरे धीरे हर चीज़ से भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसे हुआ तो बिल्कुल, मैंने सोचा है कि मैं प्रधानमंत्री से भी अपना वो गुहार लगाऊंगी, और उससे भी चीज़ें नहीं बनी तो मैं हाईकोर्ट भी जाने तक का सोचूंगी।